विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संजय भारद्वाज आज आपको बीए पार्ट थर्ड का पेपर सेकंड अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम शीत युद्ध को पढ़ेंगे। पिछली बार हम लोगों ने शीत युद्ध के कारणों को पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे शीत युद्ध का अंत कैसे होता है। तो शीत युद्ध का अंत, प्रमुख समझौते और घटनाएँ, और इसका दूसरा पार्ट होगा शीत युद्ध की समाप्ति के कारण, किन कारणों से शीत युद्ध समाप्त हुआ। परीक्षा की दृष्टि से सारे सब्जेक्ट का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन है, और कुछ इसमें जो टॉपिक्स हैं, कुछ जगहों के नाम हैं, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसको तैयार करेंगे। आशा है आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगेगा। अंत में शुरुआत होती है प्रमुख समझौते और घटनाएं। तो सन 1985 से 91 का जो समय होता है वो शीत युद्ध के अंत का काल कहलाता है, और इसकी शुरुआत जो होती है उसके कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव ये है। नंबर एक है जिनेवा वार्ता। 1985 में जिनेवा में सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव गोर्बाचोव और अमेरिका के राष्ट्रपति रीगन मिलते हैं, और उनके बीच में 19 और 20 नवंबर 1985 को एक वार्ता होती है, और इनके बीच में कुछ जो मुद्दे होते हैं वो सफल होते हैं। जो होते हैं, परमाणु युद्ध कभी नहीं लड़ा जाना चाहिए, हथियारों की होड़ पर काबू पाना चाहिए, मतलब दोनों अपने अपने परमाणु हथियारों पर 50% की कमी करेंगे। तीसरा, दोनों पक्ष 1968 की परमाणु अप्रसरण संधि की पुनः पुष्टि करेंगे। रासायनिक हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएंगे। यूरोप में सेनाओं के मामले पर वियना वार्ता को महत्व दिया जाएगा, और बल प्रयोग को वर्जित घोषित करने के लिए दस्तावेज तैयार किए जाएंगे, और दोनों पक्ष सांस्कृतिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक और आर्थिक संबंधों को प्रागढ़ करेंगे। गोर्बाचोव 1986 में अमेरिका की और रीगन 1986 में सोवियत संघ की यात्रा करेंगे। सोवियत संघ न्यूयॉर्क में और अमेरिका कीव में अपना अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगा। फिर इसके बाद आती है रीगन गोर्बाचोव शिखर वार्ता। ये 11-12 अक्टूबर 1986 को होती है। ये रिग्जाविक जो आइसलैंड की राजधानी है उसमें इन दोनों में वार्ताएँ होती हैं, और स्टार वार्स पर रीगन खड़े रहने से शिखर वार्ता विफल हो जाती है। लेकिन गोर्बाचोव के अनुसार सामरिक हथियारों में अगले 5 वर्ष में 50% कटौती करने, यूरोप में मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्र समाप्त करने, और एशिया और यूरोप सोवियत संघ के मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्रों की संख्या घटाने के संबंध में योजना तैयार की जाती है। फिर अमेरिका और सोवियत संघ सैन्य जानकारी देने में सहमत हो जाते हैं सितंबर 1987 को, ये एक समझौता होता है। फिर सोवियत संघ अमेरिका शिखर वार्ता होती है, और INF संधि पर साइन होते हैं। ये 8 से 10 दिसंबर 1987 को होती है। ये तीसरी शिखर वार्ता होती है, और इसमें दोनों देश जो है मध्यम व कम दूरी के प्रक्षेपास्त्र नष्ट करने पर सहमत हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संधि होती है। नेक्स्ट आती है रीगन गोर्बाचोव शिखर वार्ता 1 जून 1988 को। इसमें मॉस्को में रीगन और गोर्बाचोव के बीच वार्ताओं के 4 दौर होते हैं, और इसमें जो समझौते होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के प्रक्षेपण पर एक दूसरे को सूचना देने संबंधी समझौते पर भी साइन करते हैं। फिर पश्चिम जर्मनी के चांसलर की मॉस्को यात्रा होती है। 24 से 27 अक्टूबर 1988 को पश्चिम जर्मनी के चांसलर हेल्वेट कोल मॉस्को की यात्रा करते हैं। फिर सोवियत संघ की संयुक्त राष्ट्र महासभा में गोर्बाचोव भाषण देते हैं 8 दिसंबर 1988 को, और गोर्बाचोव कहते हैं कि पूर्वी यूरोप के देशों से 5 लाख सैनिक हटा देंगे, परंपरागत हथियारों में कटौती कर देंगे। ये एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन होता है। नेक्स्ट आती है बात बुश गोर्बाचोव शिखर वार्ता। ये दिसंबर 1989 को होती है, 2 से 3 दिसंबर। भूमध्य सागर में अमेरिका और सोवियत युद्धपोतों पर दोनों के बीच में वार्ता होती है, और राष्ट्रपति बुश हो जाते हैं वो अमेरिका के लिए आमंत्रित करते हैं गोर्बाचोव को। और सन 2004 में बर्लिन में ओलंपिक खेल आयोजित कराने के लिए दोनों अपील जारी करते हैं। नेक्स्ट है सोवियत संघ व यूरोपीय आर्थिक समुदाय में समझौता। दिसंबर 1989 में सोवियत विदेश मंत्री शेवदनास्ते ब्रुसेल्स में नाटो मुख्यालय में जाते हैं, और राजदूतों की परिषद से भेंट करते हैं, और यूरोपियन आर्थिक समुदाय के साथ एक 10 वर्षीय समझौते पर साइन करते हैं। इसके बाद बर्लिन की दीवार का ध्वस्त हो जाना। यूरोप में बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का एक कलुषित प्रतीक था,
9 दिसंबर 1989 को बर्लिन को दो भागों में बांटने वाली दीवार को तोड़ दिया जाता है और पूर्वी जर्मनी के लोग बिना किसी रोक टोक के पश्चिम जर्मनी में जाने लगते हैं और सोवियत संघ इसमें कोई प्रतिरोध नहीं करते। फिर जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। 1 जुलाई 1990 को दोनों जर्मनी का आर्थिक एकीकरण हो जाता है। 15 से 16 जुलाई 1990 को पश्चिम जर्मनी के चांसलर हेलमुट कोल राष्ट्रपति गोरबाचोव से मिलते हैं और दोनों ही चाहते हैं कि जर्मनी का एकीकरण हो जाए। नेक्स्ट है नाटो द्वारा शीत युद्ध समाप्ति की घोषणा। 5 से 6 जुलाई 1990 को लंदन में 2 दिवसीय नाटो शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति बुश जो है ऐतिहासिक घोषणा करते हैं कि नाटो व वारसा पैक्ट देश के बीच शीत युद्ध अब समाप्त हो गया है और नाटो भी जर्मनी में सैनिकों की संख्या कम कर देने की बात करता है और पश्चिमी जर्मनी से परमाणु प्रक्षेपास्त्र से हटा लेता है। पश्चिमी जर्मनी ने सोवियत संघ को आश्वासन देता है कि एकीकरण के बाद अपनी सेना आधी कर देगा। नेक्स्ट है हेलसिंकी में गोरबाचोव बुश वार्ता। तो 8 से 9 सितंबर 1990 को हेलसिंकी में राष्ट्रपति बुश और गोरबाचोव के बात वार्ता होती है। दोनों नेताओं ने इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण की निंदा की और सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का समर्थन किया। फिर इसके बाद आती है बात जर्मनी व सोवियत संघ के बीच मैत्री संधि। 9 नवंबर 1990 को बॉन में एक ऐतिहासिक अनाक्रमण व मैत्री संधि पर हस्ताक्षर होते हैं राष्ट्रपति गोरबाचोव और चांसलर हेलमुट कोल के बीच में। फिर आती है बात वारसा व नाटो में ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर। 19 नवंबर 1990 को पेरिस में नाटो व वारसा संधि देशों के उप सेनाध्यक्षों ने एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के द्वारा यूरोप में शीत युद्ध को समाप्त कर दिया गया और इसे नाटो व वारसो पैक्ट देशों को 21 माह का समय लगा इस संधि को तैयार करने में। इसमें सैनिकों की संख्या निर्धारित नहीं की गई लेकिन परंपरागत शस्त्रों की अधिकतम संख्या प्रति के लिए नियत की गई। और फिर आगे की बात आती है वो है वारसा पैक्ट समाप्त। शीत युद्ध के दिनों में नाटो के प्रत्युत्तर में सोवियत संघ के नेतृत्व में वारसा पैक्ट का निर्माण 9 मई 1955 को हुआ था। अब वारसा संधि के अनुच्छेद 5 के अंतर्गत एक संयुक्त सैनिक कमान बनाई गई जिसका मुख्यालय मॉस्को में था और शीत युद्ध की समाप्ति के माहौल में 1 जुलाई 1991 को वारसा पैक्ट समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है मॉस्को शिखर सम्मेलन तथा स्टार्ट संधि पर हस्ताक्षर। ये जुलाई 1991 31 जुलाई 1991 को मॉस्को में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोरबाचोव के एक शिखर सम्मेलन में सामरिक हथियारों में कटौती की ऐतिहासिक संधि स्टार्ट संधि पर हस्ताक्षर हुए। इसकी शर्तों के अनुसार दोनों महाशक्ति अपने परमाणु शस्त्रों में स्वेच्छा से 30% कटौती करने को सहमत हो गई। यह संधि पहला बड़ा औपचारिक समझौता था जिसके माध्यम से सर्वाधिक खतरनाक एवं विनाशकारी शस्त्रों में इतनी कटौती के लिए स्वेच्छा से सहमति बनी। ये स्टार्ट संधि वास्तव में शीत युद्ध के अंत की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि है। नेक्स्ट पॉइंट आती है युद्ध निषेध के बारे में कोरियाई समझौता। 1950 में कोरिया युद्ध शीत युद्ध की चरम सीमा थी। कोरिया समस्या के दिनों में संयुक्त राष्ट्र संघ शीत युद्ध का अखाड़ा बन गया था किंतु 12 सितंबर 1991 को 45 वर्षों पुराने प्रतिद्वंदी उत्तरी और दक्षिण कोरिया ने सुलह सफाई शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और कोरिया युद्ध की पूर्ण समाप्ति के बारे में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब दोनों कोरिया संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन गए और राजनीतिक एकीकरण के लिए वो बढ़ने के लिए तत्पर हुए। नेक्स्ट बात आती है नाटो शस्त्र भंडारों में 80% कटौती। अक्टूबर 1991 में नाटो सदस्य देश यूरोप में अपने परमाणु हथियारों के भंडार में 80% की कटौती करने के बारे में सहमत हो गए। तो ये 42 वर्ष के इतिहास में अब सबसे बड़ी कटौती थी। नाटो के पास परमाणु शस्त्रों का विशाल जखीरा था जिसकी अब वारसा पैक्ट भंग होने के बाद कोई ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट बात आती है अफगान समझौता। अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप जो 1979 में हुआ था इससे दूसरे शीत युद्ध की समाप्ति हुई थी। अफगान समस्या के समाधान के प्रयासों के अंतर्गत ही अमेरिका तथा पूर्व सोवियत संघ ने 1 जनवरी 1992 से इस देश को सैन्य सामग्रियों की आपूर्ति पूर्णतः बंद कर दी और 12 सितंबर 1991 को मॉस्को में सोवियत संघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में इस आशय का समझौता हुआ और दोनों महाशक्तियों ने अफगानिस्तान में शांति बहाल करने की गारंटी दी।
नेक्स्ट है किम दे जोंग की प्योंगयांग यात्रा। तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति किम दे जोंग ने 180 लोगों का प्रतिनिधिमंडल लेकर 13 जून 2000 को उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग पहुँचे। तो दोनों ही जो धुर विरोधी देश थे, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, उनमें शीत युद्ध की समाप्ति होने लगी और इस यात्रा ने कोरिया के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त कर दोनों देशों को सौहार्द, सहयोग और पुनरेकीकरण की ओर अग्रसर किया। तो कुल मिलाकर आप देखें कि शीत युद्ध जो है वास्तव में एक बहुत बड़ी घटना थी और इसकी समाप्ति जो थी वो अपने आप में बहुत बड़ी घटना बनती है, क्योंकि शीत युद्ध जो हमने पिछली बार भी पढ़ा था वो एक मानसिक तनाव का भी बहुत बड़ा कारण होता था और कई बार जो वाक युद्ध होता था वो खतरनाक स्थिति पर पहुंच जाता था और लगता था कि ये लड़ाई का अंत कहां जाकर होगा। अब हम अगले चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे इसकी समाप्ति के कारण।